को नहीं होगा ट्रेन को। अरे बाप, अरे इतनी जल्दी फाइनली अपना टिकट बन गया। ए टी एम दे रहा, ए टी एम से कैश निकाल के फिर मिलते हैं भाई। अब इसकी तो ए टी एम बंद है यार, इधर जब ज़रूरत होती है तभी ये सब काम होता है भाई। ए टी एम भी बंद है, टिकट लेने जाना है। और हमारे इंडियन रेलवे भाई साहब कैश ही, ओनली कैश, दे एक्सेप्ट ओनली कैश, ना कार्ड ना गूगल पे नथिंग। हमारे मोदी जी ने बोला है कैश ट्रांजेक्शन कम करो, और हमारी इंडियन रेलवे जो है कैश नहीं लेती है, दे एक्सेप्ट ओनली कैश, नो कार्ड नो गूगल पे नथिंग। मिलता हूँ कैश निकालने के बाद। चलो ऐसे ही होता है, अर्जेंट में एटीएम में कैश ही नहीं है, बोलो शो पीस है भाई ये, अर्जेंट के टाइम पे यहाँ पे कैश ही नहीं मिलता। दूसरे एटीएम जानो ढूंढो, दो एटीएम ऐसे निकल गए। चलो भाई देखते हैं थर्ड एटीएम में कैश है कि नहीं। ओ यहाँ तो लंबी लाइन लगी हुई है यार, कैश तो निकालना ही पड़ेगा यहाँ पे। भाई साहब 20 मिनट एटीएम में लग गए, इतनी लंबी लाइन। एक तो दो डब्बे अंदर है, दो डब्बे में, एक डब्बे में पैसे ही नहीं है। जब बैंक वालों को इतने डब्बे रखना है यार, उतना कैश भी तो रखो यार, इतनी पब्लिक इतनी परेशान होती है। 20 मिनट बर्बाद हो गए इतनी लंबी लाइन लगने के बाद। तो मैं क्या कह रहा था, मैं जा रहा हूँ रेलवे टिकट लेने के लिए, और वैसा हमारे इंडियन रेलवे में जो है कैश एक्सेप्ट करते हैं, नो कार्ड नो गूगल पे नथिंग, नो ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस। जी वैसा तो हमारे मोदी जी फिर ये क्यों बोलते हैं, ओनली यूज डिजिटल ट्रांजेक्शन्स, नो कैश ट्रांजेक्शन। हो तो मुझे लेना है एसी का टिकट, जीजू जा रहे हैं। तो हमारे 365 दिन जो है जब भी देखो वेटिंग लिस्ट ही रहता है, तो तत्काल लेने के लिए जा रहा हूँ मैं, तत्काल टिकट एसी का। और जब ट्रैवल करने जाओ ट्रेन में देखो तो ट्रेन सब खाली रहती है। फिर ये पता नहीं क्या लॉजिक है इंडियन रेलवे का, जब देखो जब ट्रेन फुल रहती है, और जब ट्रैवल करने के लिए जाओ तो ट्रेनें सब खाली रहती है, ताकि पब्लिक जो है फर्स्ट प्रेफरेंस तत्काल को ही दे। तो क्योंकि तत्काल का 300 रुपये एक्स्ट्रा है, और रिजर्वेशन का जैसे अब 1000 रुपये का टिकट है, उसका तत्काल का 1300 रुपये का टिकट आएगा। तो ये है हमारे इंडियन रेलवे की हालत। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो लाइक कमेंट करो नीचे। जब भी टिकट लेने के लिए जाओ तो वेटिंग लिस्ट RAC बस यही है, 365 दिन ट्रेन फुल मिलेगी। और मैं पहुंचता हूँ काउंटर में, आओ मालूम है सुबह में 5 बजे हमारे जीजा जी गए लाइन में लगने के लिए, और 20वां नंबर है भाई हमारा, 20वां। जस्ट इमेजिन कि पहले नंबर वाले ने लगता रात में ही लाइन लगा दी थी। इतना डिमांड है तत्काल का, और रेगुलर तो भूल ही जाओ, रेगुलर तो टिकट ही नहीं मिलता। यह सुबह 7 बजे की ट्रैफिक देख रहे हो, ये इतनी ट्रैफिक सुबह में 7 बजे। ओह ऑटो वाले के सामने देखो दुद्दू मोबाइल, वाह मैन। एक मैप लगाया एक लगता है फ़ोन आने के लिए। बिजी ऑटो वाला। लो जी पहुंच गए हम इंडियन रेलवे स्टेशन मजेस्टिक। अब भाई जल्दी से गाड़ी पार्क करते हैं और भागते हैं काउंटर पे। आप दिखाता हूँ अंदर की हालत क्या है आपको, इतनी पब्लिक लाइन में लगी होगी, मारा मारी हो गई और टिकट के लिए। और रोड की हालत देखो हमारे, पता नहीं टैक्स लेके क्या करते हैं ये लोग, ना रोड बनाते हैं ना पैटहोल्स फिल करते हैं। इससे तो अदर एक्सीडेंट, इतनी एक्सीडेंट तो इसी के मारे होते हो गए यार। स्वागत है आपका बेंगलोर रेलवे स्टेशन में।
KSR। ये है टिकट काउंटर, गाड़ी पार्क करके फिर मिलता हूँ थोड़ी देर में आपसे। गाड़ी पार्किंग में इतना दो दस इतनी दूर है, भागना पड़ेगा यहाँ से। चली दे टेन ओ क्लॉक। बहुत लेट हो गया यार। तत्काल टिकट लेने की मुशक्कत। भीड़ देख रहे हो आप लोग यहाँ पे। ओ कितना नंबर है ना? ले रहे आप ले लो। लोअर सीट नोड़ी सर, सीनियर सिटीजन। फाइनली अपना टिकट बन गया। चेंज नंबर 500 का चेंज ही नहीं मिल रहा है। एटीएम से सूर्य 500 रुपये का नोट निकले, अब यहाँ चेंज ही नहीं है। चेन मिल गया। हाँ पकड़ो टिकट ले। लोअर पर दिया दोनों, सही है ना? सही। ए4 में दोनों लोअर पर टिकट मिल गया। तो रियलिटी चेक ये है, अगर मैं इस ट्रैवल में ट्रैवल करता होता तो आपको पता था इंडियन रेलवे की क्या हालत है हमारी। सर्विस पूरे लेते हैं लेकिन पैसा पूरा लेते हैं लेकिन सर्विस कुछ भी नहीं देती। ये टिकट आया है 5180 का, 3 टायर AC है। 3 टायर AC में आपको सर्विस कुछ नहीं मिलेगी, ना खाना मिलेगा ना कुछ मिलेगा, टॉयलेट गंदा मिलेगा। अगर मैं इस ट्रैवल में ट्रैवल करता होता तो आपको रियलिटी चेक पूरी बताया क्या हाल है हमारे इंडियन रेलवे की। अगर आप इस
ये वीडियो इंडिया के बाहर देख रहे हो तो ये है कुछ हमारे इंडियन रेलवे की खस्ता हालत। सुबह 5 बजे उठ के आना पड़ता है टिकट लेने के लिए। कितने बजे आए थे? 5 बजे आए थे ना कुछ भाई? इधर 6 बजे आए थे, अंधेरा 6 बजे। 6 बजे आने पे 20वां नंबर था, फाइनली टिकट मिल गया, मेहनत सफलता हो गया काम अपना। तत्काल तत्काल बोलते हैं जब ट्रैवल करो तो ट्रेन पूरी खाली मिलेगी, ऐसा क्यों है? ये इंडियन रेलवे की चाल है कि पब्लिक एंड टाइम पे तत्काल ही ऑप्ट करे, क्योंकि तत्काल का 300 रुपये एक्स्ट्रा है। वहाँ पे बोल लिया था सिलेंडर का हो नहीं पाएगा हॉस्पिटल। हाँ, जब भी देखो ऑनलाइन चेक करो वेटिंग लिस्ट RIC, कंफर्म तो मिलने का चांस ही नहीं है, कंफर्म मिलता ही नहीं है, ताकि एंड टाइम पे पब्लिक जो है तत्काल में तत्काल में जाए। ऑल राइट गाइस, टाटा मैजेस्टिक का रेलवे स्टेशन अपना काम हो गया। आई होप आपको ये हजल बजल वाला वीडियो पसंद अगर आया है तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। तो मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ कि ये है, अगर आप ये वीडियो इंडिया के बाहर देख रहे हैं तो ये है कुछ इंडियन रेलवे की खस्ता हालत। जब भी टिकट निकालने जाओ ये हालत होती है, हालत ख़राब हो जाती है भाई। सुबह 5-6 बजे उठ के आना पड़ता है टिकट लेने के लिए। हाँ चलो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। अभी जो टिकट लिया है मैंने 2500 रुपये का AC 3 टायर का, ये टिकट 2-3 साल पहले 1800 रुपये का टिकट था दुरंतो एक्सप्रेस का, और भाई साहब उसमें 3 टाइम खाना मील फर्स्ट क्लास फैसिलिटी थी। अभी हालत ये है कि पैसा भी बढ़ गया और खाना वाना सब कैंसिल हो गया, अब खाना वाना कुछ नहीं मिलता है ट्रेन में, और टिकट 2500 रुपये का टिकट दुरंतो एक्सप्रेस। तो ये हाल है अभी महंगाई का। वन प्लेट इडली पार्सल, ये 8 मसाला डोसा इले, 1 प्लेट इडली पार्सल। हाँ डोसा मसाला डोसा रोस्ट मारे कड़ी फुल फुल रोस्ट मारे कड़ी अंदर तेरा जी अपना एकदम रोस्ट मसाला डोसा लाल लाल। थैंक यू। थोड़ा एंजॉय करते हैं मसाला डोसा और मिलते हैं थोड़ी देर में। तुम गरम गरम है मसाला डोसा खाने के बाद अगर कॉफ़ी नहीं पी तो कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। वहाँ दूध उबल रहा है, यहाँ कॉफ़ी उबल रही है। Thank you.
कितना हिलाओगे भाई? ओके 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 परफेक्ट, ओह सुपर। वाओ 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 वाओ, कितना देंगे ये? रे रे रे, थैंक यू। इसको ही टेस्ट करेंगे। कॉफी हमारी भाई, मसाला डोसा के बाद कॉफी बहुत जबरदस्त है। फाइनली जाए पहुंच गए भाई इसी क्लास में अपने, और सीट को ढूंढने के भाई परंपरा ऐसी है कि भाई हिंदुस्तान में ऐसी परंपरा, एक आदमी को छोड़ने के लिए चार पांच आदमी आएंगे, तो ठीक वही परंपरा हम भी निभा रहे हैं। तो हमारे जीजू को छोड़ने के लिए हम आए चार लोग। तत्काल टिकट कितनी मुश्किल से ली भाई, फिलहाल अब जो है चैन आता है, 6 बजे उठ के सुबह टिकट लेने के लिए गए। और ये है भाई यार, वो जब अच्छे दिन थे ना तब मिलते थे, 1800 रुपए में 3 टाइम खाना मिलता था, कम्बल तकिए सब मिलते थे। और कुछ कोई अभी दोनों एक्सप्रेस में कुछ भी नहीं मिलता, कर्नाटक एक्सप्रेस में भी नहीं मिलता, राजधानी में है। टिकट कितना है उसका? 4500 रुपया। लगे भाई पहले इधर कटन वटन सब था, अभी कुछ भी नहीं, ये सब ब्लॉक कर देते कटिंग अटेंस में। अब इससे विंडो ओपन चार्जिंग पॉइंट मिलेगा, हर सीट में चार्जिंग पॉइंट मिलेगा। ऑल राइट गाइस, ये एक शॉर्ट इंट्रो, ये कपाट, ये एसी कंपार्टमेंट का, और ये रहे जी हम। चलो आप देखते हैं टॉयलेट कैसा क्लीन है कि नहीं इधर का। ओह ओ ओ ओ, टॉयलेट तो क्लीन है लेकिन इसमें हैंड वॉश ही नहीं है। देखो 2500 का टिकट लिया और इसमें हैंड वॉश भी नहीं है, पानी आ रहा है, कुछ भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ये हो गया वेस्टर्न और इंडियन टॉयलेट, इंडियन टॉयलेट में ये सब है, इसमें भी हैंड वॉश नहीं है। वो इसमें फुल बास आ रही है। ये सब ब्लैंकेट्स, हेलो लव्स, एंड टाइम डिसीजन जो लेता है वो ये होता था। वो इतनी देर से बैठे थे और अब इतनी देर से यहाँ बैठे थे तब भी बैठे। आधे घंटे से बैठे थे यहाँ पे, अभी ये लोग जाने के टाइम। देखो क्या पब्लिक बोलेंगे, आधे घंटे से बैठे थे, चलती ट्रेन में चढ़े हैं लोग, सामने ही बैठे हुए थे, अभी भी चले गए। Thank you.
हज़ार रुपये में सेटलमेंट हुआ, 5 मिनट भाई साहब रुकी हुई थी ट्रेन ना। अरे समझ में ये आप लोग हमारे सामने बैठे हुए थे वो लोग पूरी फैमिली, ट्रेन जैसे मूव हुई वो लोग ट्रेन में चढ़ना शुरू हुए। पता नहीं यार तो ट्रेन चलने का इंतज़ार कर रहे थे, क्या कर रहे थे समझ में नहीं आया। पुलिस आई भी 1000 रुपये ली, ट्रेन मास्टर भी था, 1000 रुपये में सेटलमेंट हो गया भाई साहब, ने स्लिप भी नहीं बनाया। ऑल राइट गाइस, 5 मिनट ट्रेन भाई साहब चेन पुलिंग हो गई, पूरी फैमिली हमारे सामने ही बैठी हुई थी, जैसे ट्रेन मूव हुई और भाई साहब चढ़ना शुरू कर दिए वो लोग, और चेन चढ़ते ही बच्चे बच्चे सब थे, देखे हालत खराब भाई, एक तो गिरते गिरते बचा और फिर ट्रेन में सर पुलिस आई भाई साहब ने जल्दी जल्दी 1000 रुपये में सेटलमेंट किया और उसकी स्लिप भी नहीं बनाई। ये होता है भाई। ऑल राइट गाइस, वीडियो को करते हैं बैंड, मिलते अगले वीडियो में, बाय।